The teaching of Vedantu was amazing. One aspect where Vedantu teaching differed from a normal offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? सो मेरी तो तबीयत ख़राब है, लेकिन आप लोग तो सब बढ़िया ही होंगे। क्यों, क्या हाल चाल? तो आज भी मैं उसी जैकेट में हूँ जिस जैकेट में कल था। बरसते हैं जो उन्हें बरसने दो, हम बरस गए ना तो समंदर भी छोटे पड़ जाएंगे। क्यों, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? चलो कोई ना, हमारी तबीयत ख़राब है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यस, हार नहीं मानेंगे। क्या कर रहे हैं हम आज? डी ब्लॉक में लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं, और आज हम लोग केमिनोफोर का केमिकल रिएक्शन चेक करेंगे जिस पे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद K2Cr2O7 को शुरू कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइज, चलें शुरू करें। या यप, चलो फटाफट से शुरू करते हैं डी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग केमिनोफोर और K2Cr2O7 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो केमिनोफोर के बारे में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को खत्म कर चुके थे, आज हम उसकी केमिकल रिएक्शन को चेक करेंगे, ठीक है? तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, क्या रिक्वेस्ट है मेरी, वेदांतु मेडिकल मेड इजी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लो, क्योंकि 650,000 की फैमिली हमारी आज में हो रही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। सो 650,000 में बच्चा कौन होगा, कौन है वो लकी बच्चा? सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, उस नंबर को पाने के लिए हमारी मदद करो, इस फैमिली को हम लोग दूर तक लेके जाएं, बढ़ाएं, बस यही हमारा सोचना है। और ये वीडियोस उन बच्चों तक पहुँचें जहाँ जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, बस यही हमने सोचा है। आज फिर से थोड़ी तबीयत नासाज है, तो धीरे बोलूँगा तो एनर्जी कम है, लेकिन जोश कम नहीं है अंदर, ठीक है? सो उसको भापते हुए आप लोगों को मेरा साथ देना, ठीक है? सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। उसके अलावा क्या करना है आपको, 6,50,000 सब्सक्राइबर के बाद 6,500 स्टूडेंट इस वेदांतु के टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, तो vdnt.in/medicalbees को फटाफट से आप ज्वाइन कर लो यार, क्यों नहीं किया? अगर आपने नहीं किया तो आपको बेनिफिट बहुत सारे जो मिलने वाले वो नहीं मिलेंगे, तो कर लो, ठीक है? सो चलो केमिनोफोर की केमिकल रिएक्शंस को शुरू करते हैं फटाफट से। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक रिएक्टिविटी ऑफ केमिनोफोर। यस, सो दिस इज अ टॉपिक रिएक्टिविटी ऑफ केमिनोफोर। केमिनोफोर कैसे रिएक्ट करता है? तो सबसे पहले तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे कि जो केमिनोफोर होता है बेसिकली, जिसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यस और नो, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यस, ये सामने वाली स्पीसी को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। नाउ ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन देन? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीमेंट। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीमेंट। तो टोटल आपके जो कोई भी कंपाउंड होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती हुई दिखेगी आपको, क्लियर हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीमेंट, मान लो कोई +1 पर है और केमिनोफोर से रिएक्शन की वजह से +3 पे चला गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। सो अब बस इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कौन सी होंगी, यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली होंगी, क्लियर हो गया? सो उसके थ्रू आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, आप कंपाउंड्स को पहचान सकते हो कि एक्चुअल में कंपाउंड कौन सा होगा। सो अब मैं क्या करूँगा, हाँ एनिमल लवर थोड़े बीमार हैं हम, दुआएं करो कि जल्दी ठीक हो जाएं। चलो चले आगे चलते हैं। सो फाइनली ऑक्सीडेशन आपको करवाना है सामने वाली स्पीसी का, ठीक है? सो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीमेंट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़ोतरी करानी है। चलो तो आप लोग कितना गैस कर पाते हो, शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ केमिनोफोर। हाउ्स जोश, हाउ्स जोश, गेट वेल तो मैं सून हो जाऊंगा, टेंशन मत लो, पर आप लोग बताओ कि आपका जोश कैसा है। शुरू करें, शुरू करें। चलो तो ये रहा केमिनोफोर के केमिकल रिएक्शंस, और रिएक्टिविटी चेक कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक एक करके सारी केमिकल रिएक्शंस को रख रहा हूँ, आपको जवाब देना है।
मैं अगर आपसे सवाल पूछ लूं, ध्यान से समझिएगा, पहला सवाल, नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके? सो पहला सवाल, अगर KMnO4 का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम से करवाया तो क्या बनेगा? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? KMnO4 का रिएक्शन, KMnO4 को जो कि पिंक कलर का होता है, उसको अगर स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में किसी भी कंपाउंड के साथ, ठीक है, रिलेवेंट कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाया तो KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है? और ये सवाल एक्चुअली हमने कहाँ पढ़ा ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ चुके हो ये बाय द वे, ठीक है? किस किस को पता है कि KMnO4 स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? बहुत बढ़िया सवाल है ये, KMnO4 स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? तो पहला सवाल ये है, हाँ, कौन बताएगा? यस, जानवी पांडे ने सबसे पहले आंसर दिया है, स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में KMnO4 एक्चुअली K2MnO4 में कन्वर्ट होता है, K2MnO4 में कन्वर्ट होता है, यस। और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, आप लोग ये ध्यान रखो कि KMnO4 स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में K2MnO4 स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? Mn+2, है ना? एंड न्यूट्रल मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? MnO2। ये छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, अभी कहां से आई, न्यूटन ने नहीं दी है, एक्सपेरिमेंट से आई है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 11th क्लास में पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में जो बोला K2MnO4, दैट मींस वो करेक्ट है, K2MnO4 में कन्वर्ट होता है, ठीक है? तो पहला सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया, ध्यान से समझना, K2MnO4, ठीक है? सो पहला सवाल तो ये था मेरा। दूसरा सवाल ये है कि अगर मान लो मैं KMnO4 को हीट करूं, इफ आई हीट KMnO4 देन व्हाट विल हैपन? अगर मैंने KMnO4 को हीट किया तो क्या होगा, कौन बताएगा? देखिए कितने लोग जवाब देते हैं, यहाँ पर शिवानी सैनी ने आंसर दिया है, सोनम कटियार ने आंसर दिया है, यहाँ पर MnO4 नहीं बनता क्षितिश, नेहा चौधरी गलत है बेटा, ठीक है? अभी तक गया नहीं है फीवर, लेकिन जाएगा जल्दी, आप लोगों की दुआएं रही तो फीवर वीवर सब बीमारियाँ शरीर का साथ छोड़ देंगी और मैं आपके सामने एकदम खुला खड़ा हो जाऊंगा। आजकल थोड़ा नासाज है तबीयत। सो फाइनली फिर से देखो, KMnO4 अगर आप हीट करते हो तो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर नेहा ने आंसर दे दिया है, बहुत सारे लोग हैं जो आंसर दे रहे हैं, दैट्स रियली ऑसम। तो देखो, मेरा जोश ठंडा नहीं हो, वो तो अंदर से नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का भी जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो आप लोग ध्यान रखना। समड़ी सिंह सर सूरत में जैकेट में, सूरत में नहीं, अभी बेंगलोर में हूँ, यहाँ पर मौसम बड़ा अजीब सा ही है। सो ये दूसरा सवाल था जिसका आपको आंसर करना था। तीसरा क्वेश्चन ये कि अगर आपने KMnO4 का रिएक्शन Fe से करवाया तो क्या होगा, Fe+2। और चौथा सवाल ये रहा, अगर आपने न्यूट्रल स्लाइटली एल्कली मीडियम में करवाया तो क्या होगा। इन चारों क्वेश्चन के आंसर मैं अभी मैं लिख रहा हूँ, तो ध्यान से इसको चेक करना। सबसे पहले तो अगर KMnO4 स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में है तो ये K2MnO4 में कन्वर्ट होगा, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीटिंग करोगे तो ये आपको क्या देगा, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, ये कंपाउंड बाहर निकलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हीटिंग करने पर। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, आप इसको स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि यहां पर Fe+2 है तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe+3 में। और न्यूट्रल मीडियम में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये किस में कन्वर्ट कर देगा, MnO2 में कन्वर्ट कर देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है। जेता कार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो ये आपके टोटल चार केमिकल रिएक्शंस हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में, जरा आप चेक कर लो, K2MnO4 हीटिंग करोगे तो K2MnO4 MnO2 एंड देन O2, Fe+2 का ऑक्सीडेशन होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3। और न्यूट्रल मीडियम मैंने आपसे कहा था कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में। सो चारों केमिकल रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोग आंसर मैच कर सको। सो आप जरा ध्यान से इसको चेक कर लो, स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में K2MnO4 में कन्वर्ट होगा, ये हमने देख लिया। और फाइनली अगर टाइम बीइंग अगर आप थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा वक्त देते हैं, तो K2MnO4 MnO2 में टूट जाता है, ठीक है? सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। हीटिंग करोगे तो K2MnO4 में कन्वर्ट होगा जो ग्रीन कलर का होता है, MnO2 जो खुद ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, और O2 गैस निकलेगा। इसके अलावा अगर आपने Fe+2 से रिएक्शन कराया तो ये Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा।
और फाइनली अगर आप न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कली मीडियम लेते हो तो MnO2 में। अब यहाँ पर देखने लायक चीज़ें क्या है ज़रा आप उसको चेक कर लो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नोट करने लायक चीज़ें क्या है, एक तो KMnO4 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। +7 से यहाँ पर कितने में चला जाता है, K2MnO4 यानी +7 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर चला जाता है। तो एल्कली मीडियम में जब +7 से +6 जाता है तो यहाँ पर N फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो K2MnO4 होता है ना, बेसिकली वो क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। आप जरा इसको भी चेक कर लो ना, दिस इज ग्रीन कलर, ओके, ये ग्रीन कलर का होता है। और MnO2 ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। अब ये चीज तो हम पहले भी देख चुके हैं, MnO2 ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। नवीन इक्विलिब्रियम कल से शुरू करेंगे, डोंट वरी। तो MnO2 ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। तो आपको दो चीजें और सीखने की मिली कि एक तो K2MnO4 ये ग्रीन कलर का होता है, एंड देन MnO2 ये ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। आप लिख लो, काम आएगा। तो किस किस ने लिखा जरा देखिए, फरीन कसार ने लिखा, सुनील कुमार ने लिखा, लिखोगे इतने तो फायदा नहीं होगा, याद ही नहीं होगा आप लोगों को। अलसाबा ने लिखा, मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब थी लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, चलो यार चलते हैं पढ़ाने को। लेकिन अगर आप लोग ठंडे बस्ते में इस तरह से ठंडा ठंडा करके जवाब दोगे तो कैसे चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। कम ऑन गाइज, आपका जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, दैट्स रियली कूल, ठीक है। सो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, लिखा आपने। तो चारों केमिकल रिएक्शन किस किस को याद हो गई, ये चार केमिकल रिएक्शन किस किस को याद हो गई, याद हो गई सब लोगों को, चारों केमिकल रिएक्शन याद हो गई, बहुत बढ़िया। तो अगली चार केमिकल रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। दोबारा बता देता हूँ, KMnO4 स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में K2MnO4 में, हीटिंग करोगे K2MnO4 MnO2O2। K2MnO4 ग्रीन कलर का होता है, MnO2 ब्राउन ब्लैक कलर का होता है। Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको गैस करना बहुत आसान था क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। स्लाइटली न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कली मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ओवरऑल आपके पास। एक और लास्ट चीज जो आपको देखने को मैं बोलूंगा वो ये है कि यहाँ पर ये कितने पर है, +7 Mn, यहाँ पर कितने पर है, +4। ओवरऑल चेंज कितने का आ रहा है, 3 का। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर N फैक्टर कितना है, सो ओवरऑल N फैक्टर ओवर हियर इज 3। ये लीजिए, ये हो गया हमारा, ठीक है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस को जरा चेक करते हैं। तो अगली केमिकल रिएक्शंस क्या है जरा आप चेक करो। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस, तो KMnO4 की अब अगली केमिकल रिएक्शन, मान लो मैं KMnO4 को डिसॉल्व करूं H3O+ में तो क्या बनेगा, पहला सवाल, ठीक है। यहां भी मैं आपसे चार सवाल पूछूंगा। पहला सवाल है कि अगर मैंने KMnO4 को H3O+ में डिसॉल्व कर लिया तो क्या बनेगा। दूसरा सवाल मेरा यह है कि अगर मैं सल्फाइट के साथ इसको मिक्स कर दूं तो क्या होगा, KMnO4 को सल्फाइट आयन वाले कंपाउंड के साथ मिक्स कर दूं तो क्या होगा। तीसरा सवाल मेरा यह है कि अगर मैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा दूं एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा। और चौथा सवाल मेरा ये कि अगर मैं नाइट्राइट के साथ इसका रिएक्शन करा दूं तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, तो इसका जवाब आप लोगों में से कितने लोगों को आता है। फिरश तरी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो चार क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, जरा आप इसको ध्यान से चेक करो कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं, जरा आप इसका आंसर करके बताओ। देखो चार रिएक्शन फिर से आपके सामने, KMnO4 H3O+ में डिसॉल्व करोगे एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, SO3-2 से रिएक्शन कराओगे एसिडिक मीडियम में सल्फाइट के साथ तो क्या होगा, SO2 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, और NO2- एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा। अगेन कई लोग कहेंगे सर ये रट्टा मारना है क्या, नहीं। अगेन इसका आंसर कैसे करोगे, इसका आंसर करना बहुत आसान है अगर आप ये समझ लो कि यहाँ पर KMnO4 का काम क्या होता है। KMnO4 का काम है ऑक्सीडेशन करवाना, तो करवाओ ऑक्सीडेशन करवाना, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये क्या है, ये है एसिडिक मीडियम, ध्यान से देखो तो यहां तो खुद किस में कन्वर्ट होगा, एसिडिक मीडियम में अगर ये खुद है तो ये खुद कन्वर्ट होगा Mn+2 में, ठीक है। ये कोई स्पीसी नहीं है, ये मीडियम है, एसिडिक मीडियम। तो H3O+ में अगर डिसॉल्व करते हो तो Mn+2 में कन्वर्ट होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सही है, याद है अभी थोड़ी देर पहले बोला था। तो पहला सवाल तो आसान था, तो आप सिर्फ एसिडिक मीडियम में इसको डिसॉल्व कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है
H3O-2 सल्फाइट, तो सल्फाइट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सल्फाइट का ऑक्सीडेशन करके वो उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेके जाएगा, सल्फाइट का क्या बनेगा, सल्फेट। तो SO4-2 बन जाएगा यहाँ पे। कितना आसान है, जरा आप चेक करो कि सल्फर यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर था, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला गया। ऊपर वाला तो मैं पहले बता के आया था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आपके पास मीडियम एसिडिक है तो फिर वो खुद Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। कितना आसान है। अब आ जाओ नीचे क्या है, ये वो हमारे पास SO3-2। अब आ जाओ SO2 के ऊपर, अगेन आप देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। तो आप खुद ही देखो ये +4 के अंदर है, इसका काम है ऑक्सीडेशन करवाना, तो इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा, तो किस में कन्वर्ट कर देगा ये इसको, एसिडिक में, SO4-2 में कन्वर्ट कर देगा, +4 से +6 में लेके चला जाएगा। दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इट्स नॉट हार्ड। क्लियर हो गया सब लोगों को, +4 से +6। अब यहाँ पर कई लोग SO3 लिख रहे हैं लेकिन वो ये गौर नहीं कर रहे कि साथ में एसिडिक मीडियम भी है, तो तुरंत वो क्या दे देगा, उसका SO3 उसका रिस्पेक्टिव एसिड बना देगा, तो SO4-2 मिलेगा वहां पे। आप गौर करो यहां से, ठीक है। लास्ट रह गया नाइट्रेट, नाइट्रेट नाइट्राइट, नाइट्राइट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे कंपाउंड क्या होता है, नाइट्रेट। सिंपल, यहां पर नाइट्रोजन को अगर आप देखोगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, +3 से ये जंप मार के किसमें चला जाएगा, +5 पे, NO3-, सही है, NO2- से वो NO3- पे चला जाएगा, यानी कि वो +5 पे आ जाएगा। अब कैसे याद करें इसको, बहुत आसान है। पहला केमिकल रिएक्शन क्या है, जरा आप चेक करो, पहला केमिकल रिएक्शन केमिनोफोर को एसिडिक मीडियम में डाला तो केमिनोफोर खुद कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में, पहला रिएक्शन खत्म। दूसरे में केमिनोफोर ऑक्सीडाइज करेगा SO3-2 को SO4-2 में, सल्फाइट को सल्फेट में कन्वर्ट करेगा। इसके लिए आपको लाल चड्डी नहीं चाहिए ना हरी चड्डी चाहिए, ठीक है, इसके लिए आपको दिमाग चाहिए, कुछ नहीं है इसमें। केमिनोफोर का SO2 से रिएक्शन कराओगे एसिडिक मीडियम में तो भी वो SO4-2 में कन्वर्ट होगा। लास्ट है नाइट्राइट, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दो। अब यहां पर क्या ये हार्ड है, बिल्कुल भी नहीं है यार, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाकई में बहुत आसान है। इसको कॉपी में लिखो, इन सब का तरीका एक ही है, समझने समझने की बात है, समझ जाओगे तो आपका काम हो गया। इट्स NO3-, ओके, सो दिस इज नाइट्राइट, और नाइट्राइट से वो किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, सो दिस इज नाइट्रेट, दिस इज सल्फेट। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इफ यू हैव माइंड, अगर आपके पास दिमाग है तो आप कर लोगे, और नहीं है तो फिर आप चैड़ी खरीदो, चैड़ी मंत्रा से अच्छी सी चैड़ी खरीदो लाल कलर की, उसको पहनो और उड़ जाओ, उड़ंतरी मारो, है ना, उड़ जाओ से गाना याद आ गया, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, है ना, ये गाना सुने तुम लोग, उसमें ना एक गुजराती टोन भी है, पता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बरने बरनो बरनो दे दे दाने दे 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 दो, आता नहीं मेरे को पर बढ़िया है, गुजराती गाने भी मस्त होते हैं पंजाबी के जैसे। तो चलो ये चार रिएक्शन जोर हो गए, ठीक है, हो गई ना। चलो तो अब मैं तुम्हें इसके दर्शन करा देता हूँ आंसर्स के, जरा चेक कर लो। तो देखो केमिनोफोर सबसे पहले आपने किससे रिएक्शन कराया, आपने एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व कराया, Mn+2 में कन्वर्ट हो गया। टोटल चेंज कितने का आएगा, यहाँ +7 से +2 पे जा रहा है तो 5 का चेंज आया, एन फैक्टर 5 होगा। SO3-2 ये SO4-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हमारे पास SO2 गैस एसिडिक मीडियम में SO4-2 में कन्वर्ट होगी, क्योंकि यहाँ मीडियम एसिडिक है तो वो अपने रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट रह गया नाइट्राइट जो खुद नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज नाइट्रेट, ठीक है, सो व्हाट इज नाइट्रेट, दिस इज HNO3, ओके, सो डोंट गो रॉन्ग। चलो अब अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थोड़ी देर में। अब अपन चलते हैं अगली केमिकल रिएक्शन, गैस करना अब क्या होगा। मान लो केमिनोफोर का रिएक्शन करवा दे अपन H2S से, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, H2S से करवा दे एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर मैंने ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन कराया केमिनोफोर का तो क्या मिलेगा। तीसरा रिएक्शन मेरा ये है कि आप N2H2 से रिएक्शन कराओ केमिनोफोर की तो क्या होगा एसिडिक मीडियम में। और चौथा रिएक्शन ये है H2O2 से रिएक्शन कराऊंगा एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा। तो चार फिर से बढ़िया वाली केमिकल रिएक्शन, और देखो यहाँ पर राहुल ने, नेहा लाहारे ने आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया बात है,
बल्ले बल्ले ते शामा शामा। तो अब देखो यहाँ पर चार केमिकल रिएक्शन है, आप लोग आंसर दो कि क्या होगा। अगर मान लो इसका रिएक्शन H2S से कराते हो तो क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड से कराते हो तो क्या होगा, N2H2 से कराते हो तो क्या होगा, H2O2 से कराते हो तो क्या होगा। अगेन केमिनोफोर का काम क्या होता है, केमिनोफोर का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करना है ना, होता है कि नहीं होता। केमिनोफोर का काम होता है ऑक्सीडेशन करना, तो ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन करके कौन किधर जाएगा, बस उतना ही दिमाग लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। सो चलो अब इसके आंसर्स आप लोगों को देने हैं, इंटरेस्टिंग और ब्रिलियंट चार क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। चलो हाँ, अरे सल्फर के आगे तो बोलो, सब लोग सल्फर सल्फर बोल रहे हो, आगे कौन बोलेगा बबुआ, सल्फर के आगे बताओ क्या होगा, एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेबल, आगे बताओ ऐसा बताओ क्या होगा, सल्फर के आगे बोलो। ये देखो ऋषि ऋषि दांगी पूछ रहा है सर जेई के लिए क्या, तो जेई के लिए केमिस्ट्री का मंगल ग्रह से लिखी हुई आती है क्या, सवाल देखो कि तुम तो जेई के हो, तुम्हें मंगल ग्रह के एलियन केमिस्ट्री बना के देंगे अलग से, तो सारा सवाल तो सेम ही होते हैं, राम भरोसे है इनका। ये गीता कह रही है टेक माय नेम टेक माय नेम टेक माय नेम इज गीता ये ना ये बड़ी बीमारी है बच्चों की, बार बार आवाज नहीं आ रही होगी तुम लोगों को ना, सो ये बहुत बड़ी बीमारी है बच्चे कहते हैं कि टेक माय नेम इज गीता गीता की, आगे नहीं बोलूंगा। सुने हो गाना, सुने हो कि नहीं सुने हो चलो आरवी पूछा सर वहाँ ठंड है क्या, आरवी ट्रंप ठंड नहीं है, मेरा मेरा ठंडा निकला हुआ है चलो तो अब इसके आंसर बता दो, देखो इसको चार क्वेश्चन हो रहे हैं, सो व्हाट आर दी आंसर्स, देन अगेन आपको क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है, केमिनोफोर ऑक्सीडेशन कराएगा एसिडिक मीडियम में, तो H2S पहले आप देखो सल्फर सल्फर कितने पर है, माइनस के टू पर, माइनस के टू से ये ऑक्सीडाइज होके सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका पीपीटी नीचे बैठ जाएगा, ये सॉलिड होता है सल्फर सॉलिड होता है मालूम है ना, तो उसका पीपीटी नीचे बैठ जाएगा सल्फर बनेगा। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2C2O4, तो इन दैट केस जब एक केमिनोफोर उससे रिएक्ट करेगा तो इन दैट केस कार्बन प्लस के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस के 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला जाएगा, फिर से ऑक्सीडेशन हो गया, चेक करो तो यहाँ पर माइनस टू से जीरो पे चला गया, प्लस के थ्री से प्लस के फोर पे चला गया। ये तो मोस्ट कॉमन है कि ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन अगर किसी ने करवाया तो वो CO2 में कन्वर्ट होता है, बड़ा कॉमन है ये, जाके एक बार रेडॉक्स में पढ़ो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है सबको समझ में आ गया। तो अब अपन चलते हैं आगे, आगे क्या है, आगे हमारे पास N2S2, इन दैट केस क्या होगा, सो केमिनोफोर का रिएक्शन अगर हमने N2S2 से कराया तो इन दैट केस आप देखो यहाँ पर N2S2 में नाइट्रोजन कितने पर है, नाइट्रोजन माइनस के 1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, इसको लिबरेट करा दो, आजाद करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, N2 जो कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होती है, सबको समझ में आ गया क्या, ऑक्सीडेशन कराओ ऑक्सीडेशन लिबरेट कराओ। यहाँ आप ये पता करो, हाँ सल्फर सॉलिड होता है यहाँ आप ये पता करो कि बेसिकली जो कंपाउंड में आप कन्वर्ट कर रहे हो वो कंपाउंड कन्वर्ट होने के बाद क्या उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल नाइट्रोजन लिबरेट होगा तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, सो इन दैट केस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। नीचे आ जाओ H2O2 में से क्या होगा, ऑक्सीजन माइनस के 1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो यहाँ से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, O2 में कन्वर्ट हो गया जो कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होती है। तो देखो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, सारी गैसें बाहर निकाल दी आपने, अब बस वहाँ पे बैठ के गैसें बाहर मत निकालना, बदबू आएगी मम्मी पापा डांटेंगे, ठीक है यहाँ से गैस बाहर निकाल दी, देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन CO2 और ऊपर सल्फर है जो कि सॉलिड बाहर निकला है। हर जगह पे आप क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन करा रहे हो, कुछ नहीं नथिंग बट ऑक्सीडेशन। आप जरा चेक करो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, केमिनोफोर H2S के साथ रिएक्शन करके सल्फर को बाहर निकाल देता है, सबको समझ में आया, ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके CO2 को बाहर निकाल देता है, ठीक है N2S2 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन को बाहर निकाल देता है और H2O2 से रिएक्शन करके ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, सबको समझ में आ गया। सो ये अब सब पे चेक करो, माइनस टू से जीरो पर चला गया,
प्लस थ्री से प्लस फोर पे चला गया, माइनस वन से जीरो पे चला गया, माइनस वन से जीरो पे चला गया. एवरीथिंग एवरी कंपाउंड हैज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन लास्ट वन. सो इसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं. क्लियर हो गया? सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? कई कह रहा है बोर्ड की टेंशन है. बेटा बोर्ड की टेंशन लेना नहीं है, देना. अभी ध्यान से पढ़ो ना. चलो सो सबको समझ में आ गया? चार केमिकल रिएक्शन याद हो गया. किस किस को याद हो गया? जिस जिसको याद हो गया बोलो कि सर मुझे याद हो गया. ऐसा यहाँ पे लिखो सब लोग कि याद हो गया. किस किस को याद हो गया? जिस जिसको याद हो गया. देखो मेरे उंगलियों के निशान, मैं जहाँ पर चला हूँ वहाँ छप जाते हैं. देखो जरा गौर से क्या निशान आ रहे हैं. ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट. देखो सही है ना? दे आर फॉलोइंग मी. यप. सबको समझ में आया? हाँ तो बस यही है. क्लियर होता है सब लोग? चलो तो अब ये हमारे पास चार केमिकल रिएक्शन और हो गई. हाँ जलेबी भाई, वो जलेबी भाई गाना गा रहे हैं तुम लोग. चलो अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट फोर केमिकल रिएक्शन, केमिनो फोर है यहाँ पे. अगली चार केमिकल रिएक्शन पे गौर करो. अब देखो तुम्हें आंसर देना है, पर उनकी पिछली चार केमिकल रिएक्शन के आंसर चेक कर लो. यहाँ पे H2H सल्फर का क्या निकालेगा? कोलोइडल सॉल्यूशन बाहर निकाल देगा. कोलोइडल यहाँ से सल्फर का कोलोइडल पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा. सीधी सी बात ये है. क्लियर हो गया? PPT भी नीचे बैठ जाएगा. तो अब आगे क्या है? ऑक्सैलिक एसिड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली यहाँ पर N2H2 एंट्रोपी सपोर्ट करेगी, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा और उसके अलावा H2O2 से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा. सो ये आपकी केमिकल रिएक्शन खत्म हो गई. ठीक है, ध्यान से इसको चेक करो. ये भाई नीचे बैठ रहा, बाकी सब ऊपर उड़ रहे. क्लियर हो गया सब लोगों को? समझ में आ गया? अब अगली चार केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट फोर केमिकल रिएक्शन नोट डाउन राइट नाउ. अगली चार केमिकल रिएक्शन एक ये रहा. अगर मान लो कि आपने केमिनो फोर का रिएक्शन आई माइनस से करवाया, तो पहला सवाल बेसिक मीडियम में आई माइनस से कहाँ देखिए आपने? रेडॉक्स में आपने बैलेंसिंग करी होगी इस केमिकल रिएक्शन की पक्के से. तो पहला सवाल तो ये हो गया. दूसरा सवाल ये है मेरे पास कि अगर मान लो इसका मैं HX से रिएक्शन कराता हूँ, X यहाँ पर फ्लोरीन नहीं हो सकता, बाकी कोई भी हो सकता है. और तीसरा रिएक्शन मेरे को करवाना है यहाँ पर किससे? Mn+2 से करवाना है. केमिनो फोर की रिएक्शन अगर Mn+2 से करा दी तो क्या होगा? तो ये तीन और आपको मैंने केमिकल रिएक्शन दे दी. यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन कि अगर आई माइनस से, HX से और Mn+2 से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? तो कौन आंसर करेगा जरा आप चेक करो. फिर से हमें क्या करना है बबुआ? फिर से हमें क्या करना है? फिर से हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन. तो करो ऑक्सीडेशन. अब यहाँ पर जरा आप चेक करना, आई माइनस का ऑक्सीडेशन करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो कई लोगों ने जवाब दिया आई माइनस में और आयोडीन माइनस के वन पर है. तो कई लोग यहाँ पर बहुत शाणे हैं, कहते कि यहाँ से आयोडीन बाहर निकाल दो. आयोडीन बाहर नहीं निकलती है, आप रेडॉक्स में पढ़ो जाके, यहाँ से IO3- बनेगा जिसमें आयोडीन प्लस के 5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है. क्योंकि बेसिक मीडियम ले रहे हो तो सॉल्यूशन निकलेगा यहाँ से. क्लियर हो गया? सो IO3- में कन्वर्ट होगा, I2 नहीं बनेगा. गलत है, जो भी I2 बोल रहा है वो गलत है. अब मैंने अपने घर पे तो बनाया नहीं है, कहाँ एक्सपेरिमेंट से निकल के आया. तो IO3- रेडॉक्स जाके पढ़ो, रेडॉक्स का चैप्टर. रेडॉक्स में आपने बैलेंस किया होगा केमिकल रिएक्शन, तो रेडॉक्स जाके पढ़ो. रेडॉक्स के चैप्टर को पढ़ोगे तो उसमें सारी केमिकल रिएक्शन आपको बैलेंस करने को दी गई थी. इस फॉर्म में दिया गया होगा पक्का, आई माइनस इज कन्वर्टेड इंटू IO3-. और अगर इसको आपने बेसिक मीडियम में सोल्व करना होता है, याद है या भूल गए हो? हाँ कुछ याद नहीं तुमको है, याद नहीं तुमको है ना. एसिडिक मीडियम में I2 होगा, बेसिक मीडियम में I2 नहीं होगा. बेसिक मीडियम में तो IO3- होगा. ठीक है, सो इसको नोट डाउन करो ढंग से. ठीक है, सबको समझ में आ गया? सो ये ध्यान रखो, I- इन बेसिक मीडियम IO3- में कन्वर्ट होगा, गलत नहीं करना है. क्लियर हो गया सब लोगों को? चले हम आगे. धिंक चिक्का. अगला सवाल क्या है? HX. इन दैट केस क्या होगा? यहाँ पर X माइनस के वन पर है, तो माइनस के वन से कहाँ चला जाएगा? जीरो पे. यहाँ से आपका ये लिबरेट होगा, X2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो पे चला जाएगा. HX में X क्या होता है? माइनस के वन से ऑक्सीडाइज होके X2 में चला जाएगा. फ्लोरीन नहीं होगा, बाकी सब लिबरेट हो जाएंगे. मान लो क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, आयोडीन ले लिया, वो सारे लिबरेट हो जाएंगे. हैं विमलेश कह रहा है ठंडी हो रही है. क्या ठंडी नहीं, मेरे को ठंडी हो रही है, मैं अंदर से ठंडा हो रहा हूँ. हेलोजन लिबरेट होगा. अब अगला क्या है? Mn+2. Mn+2 अगर केमिनो 4 से रिएक्ट करेगा तो ये +2 से +4 यानी फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा.
MnO2 ये ब्राउन ब्लैक कलर का होता है और एक स्टेबल कंपाउंड है, तो ज्यादातर इसमें कन्वर्जन देखने को मिलेगी आपको। MnO2 ब्राउन ब्लैक कलर का होता है तो ज्यादातर कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, Mn+2 Mn+4 में कन्वर्ट हो जाता है। बड़ा कॉमन है ये, आपको एक ही बार लगेगा क्या है, लेकिन अगर आप ढंग से समझोगे ना तो आपको याद हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया? सो चलो मैं इसके दर्शन करा देता हूँ तीनों प्रोडक्ट के फाइनली क्या है। पहला वाला है KMnO4 जो कि खुद पर्पल कलर का होता है। इसका रिएक्शन अगर मैंने मान लो I- से कराया तो IO8 में कन्वर्ट होगा, IO3- में, और KMnO4 खुद MnO2 में कन्वर्ट होगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। आप जरा चेक करो, यहां पर Mn+7 पर है, +7 और ये -1 पर है, ये -1 से +5 पे चला गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और ये +7 से कहां चला गया, ये +4 पे, तो ये हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ज्यादातर जो KMnO4 K2CR2O7 में जो केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती हैं वो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। क्लियर हो गया? सो दोज आर रिडॉक्स रिएक्शंस। इज दिस क्लियर? तो इतनी सी बात है यार, किसके लिए क्या इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है, याद हो गया? चलो तो पहला केमिकल रिएक्शन हो गया। अगला केमिकल रिएक्शन हमारे पास HX के केस में किसी से भी कराओ ये क्या लिबरेट कर देगा, हेलोजन लिबरेट कर देगा, लास्ट Mn+2 और MnO2 में कन्वर्ट कर देगा। ये हमने पहले देख लिया, क्योंकि MnO2 एक सॉलिड ब्राउन ब्लैक कलर सॉलिड है विच इज ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल। इन दैट केस ज्यादातर आपने देखा होगा K2MnO4 भी टाइम के रिस्पेक्ट में MnO2 में कन्वर्ट हो रहा था। सो बेसिकली वो स्टेबिलिटी वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लियर हो गया? से आप लोग ध्यान रखना है। चलो और भी कोई केमिकल रिएक्शन है? यस, तो हमारे पास और भी केमिकल रिएक्शन है। फिर से लास्ट चार, आई थिंक दो या तीन केमिकल रिएक्शन होंगी। अगर मान लो कि MnO4 का रिएक्शन N2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट से करवा दिया और Sn+2 से करा दिया, तो अब बताना आपको क्या बनेगा। अब ये तो आसान है, बता दो फटाफट से, बताओ बताओ बताओ। KMnO4 का रिएक्शन अगर आप N2H2O3 से कराओगे सोडियम थायोसल्फेट और Sn+2, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बच्चों के जैसा सवाल है। तो इसका बताओ, फिर इसका बताओ, देखिए कितने लोग आंसर करते हैं, बताओ बताओ बताओ। अच्छा अरविंद सर कह रहे हैं हमारा नाम ही, फिजा रंगरेज, क्या हालचाल फिजा रंगरेज। हाँ तो अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। सो मान लो कि अगर आपने यहां पर KMnO4 का रिएक्शन Na2H2O3 से करा दिया और Sn+2 से करा दिया, तो क्या बनेगा, बताओ बताओ। ओ रंगरेज, फिजा रंगरेज, थैंक यू सो मच। फिजा रंगरेज ने फोटो किसके लगा रखी, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो जीभ निकाल रहा है, मतलब इतना बड़ा साइंटिस्ट भी इतना फनी है, तो हम तो फिर टीचर हैं और लोग हमसे एक्सपेक्टेशन रखते ही नहीं। काय का टीचर भाई इतना मजाक करता रहता है, अरे हम भी तो इंसान है बबुआ। चलो हो गया। सो फाइनली देखो यहाँ पर Na2H2O3 से क्या होगा। सो इन दैट केस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया फिर से, इसको सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। यहाँ पर सल्फर की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 है। इन दैट केस KMnO4 +2 को सीधे जंप मारेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दैट केस ये इसको +6 में कन्वर्ट कर जाएगा, SO4-2 में कन्वर्ट करेगा, सीधे +2 से +6 पे धक्का मारेगा। यहाँ पर Sn+2 को किस पे कन्वर्ट कर देगा, Sn+4 में। बहुत आसान है यार, क्या था, सेकंड वाले में तो कुछ था ही नहीं। सबको समझ में आ गया क्या, सबको समझ में आ गया क्या, दोबारा समझाऊं? आसान है ना, आसान है, इजी है। किस किस को लगता है मेरे को समझ में आ गया सर, और मेरे को अपना मिंत्रा से लाल चड्डी नहीं खरीदनी पड़ी, मेरे को आता है। आ गया सबको समझ में, आ गया सबको समझ में, आ गया। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ी थोड़ी समझ अगर केमिकल रिएक्शन की है तो आप इसके खुद से अनुमान लगा सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं। चलो तो फाइनली हमने यहाँ पर क्या कर लिया, KMnO4 की केमिकल रिएक्शंस खत्म कर ली। मैं इनके आपको दर्शन कराता हूँ, लास्ट केमिकल रिएक्शन जो थी हमारे पास उसमें क्या रिजल्टेंट है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो SO4-2 में, और खुद देखो किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 में, खुद MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये कन्वर्जन आप जरा चेक करो, MnO2 में ज्यादातर ये कन्वर्ट होता दिखेगा आपको, और Sn+2 Sn+4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ हमारी केमिकल रिएक्शंस खत्म हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे, ढोली तारो ढोल बाजे,
प्रणव कह रहा है सर जैकेट क्यों, ठंडी लग रही मेरे भाई, तबीयत खराब है। हाँ चलो, तो अब क्या हमारे पास, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को पढ़ेंगे। सो हु इज इंटरेस्टेड इन K2Cr2O7? नाउ हु इज इंटरेस्टेड इन K2Cr2O7, जस्ट रेज योर हैंड इन चैट सेक्शन। हु इज इंटरेस्टेड इन K2Cr2O7? सब लोग हो, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। हाँ सारे कह रहे हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में इंटरेस्टेड हैं। अरे कैसे है? तुम्हारी उम्र तो लड़कों और लड़कियों में इंटरेस्टेड होने की होती है। आई एम सो सॉरी, कैसी बातें सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। क्या, हु इज इंटरेस्टेड इन बॉयज, मी। हु इज इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, मी। हु इज इंटरेस्टेड इन K2Cr2O7, मी। वाह चलो अब चलते हैं अपन आगे, K2Cr2O7 के ऊपर चलते चलो, ठीक है। मूवी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अभी पढ़ाई करो, मूवी शूवी नहीं देखनी है। चलो तो अब K2Cr2O7 की तरफ चलते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे कलर का होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में नॉर्मल चीज़ें पढ़ेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट बिल्कुल भी पर्पल कलर का नहीं होता है, चाहे वो कैसे भी बनाओ, इसका कलर ऑरेंज होता है। तो पहले आप सब लोग लिखो कि K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है। देखो सिंदूर लगाए हो, कोई ना कोई किसी ना किसी की मांग में सिंदूर भरेगा। क्या बोल रहा हूँ? ये देखो, और सिंदूरी कलर का होता है ऑरेंज। ऑरेंज देखे हो, ऑरेंज। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? नहीं तो तुम लोग सब बोलोगे कि कहीं सिंदूर में K2Cr2O7 तो नहीं है। नहीं है, K2Cr2O7 नहीं है, ठीक है। हाँ तो ये ऑरेंज से कलर का होता है, जैसे पीछे पाउडर दिख रहा है ना आप लोगों को, वैसा होता है, ठीक है। पहली बात सबको समझ में आ गई, सबको क्लियर है। दूसरा, ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, आप ध्यान रखना। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं अब, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। K2Cr2O7 में 2 पोटेशियम है, 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है। इसकी स्ट्रक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसकी स्ट्रक्चर को अपन लोग जरा चेक कर लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ये रही। अब आप कहोगे सर इसको कैसे बनाया, तो चलो मैं पहले आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रखे K2Cr2O7 कैसे बनाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो क्रोमियम है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पॉसिबल है। इसके पास ये देखो 3d5n4s1, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लेके चलता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 6 बॉन्ड बना सकता है। आ गया समझ में? तो ये कैसे बॉन्ड बनाएगा जरा अपन चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्रोमियम ये रहा। अब आप जरा ध्यान से देखना, इसमें है K2Cr2O7, ये है ओवरऑल। तो एक क्रोमियम को टोटल यहाँ 6 बॉन्ड बनाने हैं, सही है। सो अब जरा देखो कैसे बनाएगा ये। पहला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तीसरा ऑक्सीजन ये रहा। कितने बॉन्ड हो गए, 2, 2, 4 और 1, 5, ठीक है। और इस पे माइनस का साइन अगर कर दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है या फिर ऑक्सीजन एक माइनस का साइन और एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्टेट पूरा होता है। क्यों? माइनस का साइन का मतलब उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड के थ्रू उसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया। सो यहां पर के प्लस लगा देता हूं, तो ओ माइनस और के प्लस आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। अब ऐसी सेम स्ट्रक्चर आपको क्रोमियम के दूसरे क्रोमियम पे भी दिखेगी। ये 1, ये 2, ये 3 माइनस के प्लस, जरा चेक करो। ये क्रोमियम है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, माइनस का साइन और के प्लस इसके साथ रहेगा। सेम मैंने उसका मिरर इमेज वहां बना दिया। अब आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन बाकी है जो यहां पर इसके साथ क्या करेगी, ब्रिजिंग करेगी, इस क्रोमियम को दूसरे क्रोमियम से जोड़ेगी। इन दैट केस यहां पर इस ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पे, वो तो सभी के पास होंगे, सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रली ब्रिजिंग वाली ऑक्सीजन के पास भी होंगे। सो ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। सबको समझ में आ गया? तो ये एक स्ट्रक्चर किस किस को याद हो गया? आसान है ना ये स्ट्रक्चर, कुछ नहीं है इसके अंदर। बताओ किस किस को याद हो गया? ढोली तारो ढोल बाजे याद हो गया, ढोल बाजे ढोल, ओ ढम ढम बाजे ढोल, वेरी इजी। हाँ तो ये इस तरह से हो गया। तो यहां पर इस ऑक्सीजन को अपन क्या बोलते हैं, इस ऑक्सीजन को ब्रिजिंग ऑक्सीजन बोलते हैं,
ठीक है. सो दिस इज ब्रिजिंग ऑक्सीजन, ये कहलाता है हमारा ब्रिजिंग ऑक्सीजन, जो दो क्रोमियम के एटम को आपस से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है. क्लियर हो गया. चलो तो अब अपन चलते हैं आगे. तो ये उसकी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है. सो अब अपन चलते हैं आगे. तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर, सबको समझ में आ गया. स्ट्रक्चर देख लो, ये रही स्ट्रक्चर इसकी. ये देखो O पे माइनस, K पे प्लस, K प्लस O माइनस के साथ आयनिक बॉन्ड बना रहा है. ऐसे ही है, O माइनस K प्लस आयनिक बॉन्ड बना रहा है. अब ना एक बात आप यहां से देख सकते हो कि यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है क्या. बिल्कुल है, पॉसिबल है. तो यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है, तो रेजोनेंस की वे क्या होगी, रेजोनेंस की वे क्या होगी, क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये खींच लेगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं. जो ब्रिजिंग ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करती. तो फिर यहां पर रेजोनेंस होता कैसे है? तो यहां पर जो रेजोनेंस होता है बेसिकली वो इस वे से होता है कि ये अगर अपने यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन खींच ले, उसके बाद के प्लस इसके साथ जाके चिपक जाएगा. तो इस क्रोमियम ने टोटल तीन गर्लफ्रेंडें पाल रखी हैं बेसिकली. ये पहली गर्लफ्रेंड, ये दूसरी गर्लफ्रेंड और ये तीसरी गर्लफ्रेंड. यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है. ये के प्लस जो है बच्चे की तरह, के प्लस एक बच्चा है जो रोटेट होता रहेगा उसकी तीन गर्लफ्रेंड के पास में. सिंपल सी लॉजिक है. क्लियर हो गया. सो यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये खींच लेगा, तो इसका मतलब के प्लस यहां आ जाएगा. मे बी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो ये खींच लेता तो ये के प्लस यहां आ जाता. तो रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट नहीं करता. इनफैक्ट ये ऑक्सीजन तीनों पार्टिसिपेट करते हैं इधर की तरफ, और ये तीनों ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करते हैं इधर की तरफ, जो केमेनोफोर में भी देखा था आपने. तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है. क्लियर हो गया सब लोगों को. तो क्रोमियम की तीन गर्लफ्रेंड और उनका बच्चा क्या है, पोटेशियम. तो ये पोटेशियम बच्चा जो है इन तीन गर्लफ्रेंडों के पास घूमता रहता है रेजोनेंस बना बना के. तो तीन स्ट्रक्चर यहां से बनेंगी, तीन स्ट्रक्चर यहां से बनेंगी. ये आप लोगों को ध्यान रखना है. क्लियर हो गया. सो चलो अब अपन चलते हैं आगे. तो मैं आपको शो करता हूं कैसे होता है ये सब, जरा अपन चेक कर लेते हैं. यहां पर जो एंगल है टोटल, ये याद नहीं रखना है लेकिन अगर आपको पता हो तो आप ध्यान रखो, बस इतना बहुत है. 126 डिग्री का यहां पर एंगल होता है. ये रट्टा नहीं मारना है, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. 126 डिग्री का एंगल होता है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए. अब अपन चलते हैं आगे. क्वेश्चन है एक आपके लिए, हाउ मेनी क्रोमियम टू ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट. ये सवाल है, कितने लोग जवाब देंगे. देखे यहां पर उस स्ट्रक्चर में जो आपने पहले बनाया, अभी थोड़ी देर पहले देखा, उसमें आपको बताना है कि क्रोमियम और ऑक्सीजन का, क्रोमियम और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड्स है जो कि इक्विवेलेंट है. जितने लोग बताएंगे मैं मान जाऊंगा कि वाकई में आपको समझ में आता है. सवाल पूछा है मैंने बहुत सिंपल कि यहां पर क्रोमियम टू ऑक्सीजन कितने बॉन्ड है जो कि इक्विवेलेंट है. क्रोमियम टू ऑक्सीजन कितने बॉन्ड है जो कि इक्विवेलेंट है. क्रोमियम टू ऑक्सीजन कितने बॉन्ड है जो कि इक्विवेलेंट है. बहुत बढ़िया यार, पढ़ाई करते हो तुम लोग. 6 बॉन्ड है, बहुत बढ़िया. तो टोटल 6 बॉन्ड है. कैसे? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वहां पर रेजोनेंस होता है. तो आप खुद ही देख लो, ये क्रोमियम के साथ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर यहां पर रेजोनेंस हुआ तो ये क्रोमियम टू ऑक्सीजन एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, ये वाले इक्विवेलेंट में होंगे. इक्विवेलेंट का मतलब इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होगी, ठीक है, इनकी नेचर सेम होगी क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है. ये तीन बॉन्ड हो गए. ये वाला बॉन्ड जो है ना क्रोमियम टू ऑक्सीजन, ये रेजोनेंस इक्विवेलेंट में नहीं है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, जबकि ये रेजोनेंस में है इसीलिए ये इक्विवेलेंट में है. ये इक्विवेलेंट में नहीं है, ये वाला भी इक्विवेलेंट में नहीं है, लेकिन ये वाले जरूर है. ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस वाला. तो ये तीनों ऑक्सीजन भी बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंट में है. तो टोटल 6 ऑक्सीजन यहां पर इक्विवेलेंट में है, जो कि ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही गैस किया. नाज फरीन ने 4 लिखा है, नहीं बेटा यहां 6 होंगी टोटल इक्विवेलेंट में. क्यों? क्योंकि अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा. तो ओवरऑल रेजोनेंस की वजह से अगर आप ध्यान से चेक करो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरफ के जो तीन क्रोमियम टू ऑक्सीजन बॉन्ड है और इस तरफ के तीन क्रोमियम टू ऑक्सीजन बॉन्ड है, बेसिकली उनकी बॉन्ड लेंथ, उनका नेचर सेम होगा ड्यू टू रेजोनेंस. तो टोटल 6 आंसर आएगा इसका. क्लियर हुआ सब लोगों को? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. 6 आंसर बनेगा इसका जो आप लोगों ने दे दिया. सॉल्यूशन आपको पता लग ही गया है. 6 Cr2O बॉन्ड्स आर इन इक्विवेलेंट. कौन कौन से? ये वाले तीन और ये वाले तीन, टोटल 6. ठीक है, अब चलते हैं आगे. क्वेश्चन है मेरा अगला, Why सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इज नॉट टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस. सवाल ये है कि जो बीच वाला ऑक्सीजन है वो सेंट्रल ऑक्सीजन है
और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्यों, जबकि वो कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा? सवाल ये है, देखो इसके पास है लोन पेयर, ये डोनेट कर सकता है और यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से आप चेक करना, क्यों हो रहा है ऐसा कि ऑक्सीजन जो बीच वाला है, जो कि क्रोमियम और क्रोमियम के बीच में, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रेजोनेंस में, उसका लॉजिक क्या है? कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं, तो उसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जो बीच वाला ऑक्सीजन है बेसिकली वो खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पहली बात तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहां पर जरा चेक करो, अब वहां पर क्या खास बात है कि इट इज बेटर टू डीलोकलाइज अ नेगेटिव चार्ज देन अ लोन पेयर। रेजोनेंस में अगर आप रेजोनेंस की कंडीशंस को ध्यान से पढ़े हो 11th क्लास में, तो लोन पेयर डीलोकलाइज हो उससे बेटर है कि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। कहां पे, किसकी बात कर रहा हूं, जरा आप चेक करो, मैं यहां पर दिखाता हूं आप लोगों को। इस स्ट्रक्चर में आ जाओ, इस स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेजोनेंस में मैं कैसे दिखा रहा हूं रेजोनेंस, ये यहां पर नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां आ रहे हैं, तो यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। दैट्स अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट रेजोनेंस, रादर कि आप यहां से ये लोन पे डोनेट करो और फिर ये खींचे, ये बेटर वे नहीं है। बेटर वे ये कि जो एक्स्ट्रा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डीलोकलाइज करो और पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचो, दैट इज अ बेटर वे टू रेजोनेंस, टू शो द रेजोनेंस। इसलिए ये वाले लोन पेयर होने के बावजूद भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? सो यहां पर लॉजिक मैंने आपको बता दिया, रीजन आप जरा चेक कर लो, सबको यहां पर नजर आ रहा होगा क्या लिखा है, रीजन को पढ़ो। पहला रीजन क्या है यहां पर, इट इज बेटर टू डीलोकलाइज अ नेगेटिव चार्ज इन लोन पेयर। लोन पेयर रेजोनेंस में लोन पेयर को डीलोकलाइज कराने की बजाय आप कि किसको डीलोकलाइज कराओ, नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कराओ, दैट इज रियली गुड। और दूसरा, डीलोकलाइजेशन ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन लोन पेयर, ठीक है, ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज नॉट फेवरेबल। अब आप जरा चेक करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो कि अगर आपने ऐसा किया भी, इसके अंदर आपने यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा भी दिए, इन दैट केस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, जो कि फिजिबल नहीं है, स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। उस केस में अगर आपने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करा दिए तो उस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा जो कि उसको और अनस्टेबल बना देगा, तो यहां से रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो रेजोनेंस का अच्छा वे क्या है कि यहां से इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाए, दैट इज अ बेटर वे, जिससे आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया? So, ये आप लोगों को ध्यान रखना, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, लुक एट इट। पहला वाला नंबर वन, नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन इज बेटर देन लोन पेयर। और अगर आपने लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन करवा भी दिया तो वो नॉट फिजिबल है, बिकॉज उससे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उस पीसी को अनस्टेबल बना देगा। So, ये रीजन होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो कि क्रोमियम, दो क्रोमियम को जोड़ रहा था, ब्रिजिंग कर रहा था, एक्चुअल में वो पार्टिसिपेट नहीं करता। इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग यहां पर नोट डाउन करिए, K2Cr2O7 भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट बेसिकली उसको हम लोग कहां इस्तेमाल करते हैं, K2Cr2O7 को बेसिकली हम लोग K2Cr2O7 को इस्तेमाल करते हैं एसिडिक मीडियम में। So, आप लोग ये ध्यान रखना, दिस इज बेसिकली यूज इन एसिडिक मीडियम। सो दिस इज यूज इन एसिडिक मीडियम, माई बॉयज एंड गर्ल्स, लुक एट इट, दिस इज यूज इन एसिडिक मीडियम। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो, एसिडिक मीडियम में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो कन्वर्जन होता है K2Cr2O7 का, वो कहां होता है? K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में जो कन्वर्जन होता है वो Cr+3 में होता है। मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन है जो काफी बार पूछी गई है, बहुत नॉर्मल भी है, ठीक है? सो फाइनली यहां पर जरा आप चेक करो, क्रोमियम कितने पर है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। +6 से कहां जा रहा है ये? +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, तो खुद को क्या कर रहा है ये? रिड्यूस कर रहा है। सबको समझ में आ गया? सो खुद को रिड्यूस करता है +6 से +3 की तरफ। तो किस किस को ये समझ में आ गया, किस किस को लगता है कि हाँ आई गॉट दिस पॉइंट और मुझे समझ में आ गया, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? जिस जिसको समझ में आ गया वो एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखो कि यस सर आई गेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट और मैं यहाँ ध्यान रखूंगा इस चीज को, तो मैं इसको रिवाइज कराऊंगा लास्ट में। सबको समझ में आ गया क्या? क्लियर है सब लोगों को?
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, दैट्स रियली कूल, बहुत बढ़िया, दैट्स रियली कूल. सबको समझ में आ गया मतलब? हाँ. सो K2Ca2O7 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि खुद +6 से +3 में कन्वर्ट होता है. एसिडिक मीडियम में काम करेगा ये, बेसिक मीडियम में काम नहीं करता है. ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है. इट विल नॉट वर्क इन बेसिक मीडियम, इट विल वर्क ओनली इन एसिडिक मीडियम. इट विल वर्क ओनली इन एसिडिक मीडियम. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट विल वर्क ओनली इन एसिडिक मीडियम. इज दिस क्लियर? इट विल वर्क ओनली इन एसिडिक मीडियम. यप, ब्रिलियंट. सो ये मतलब निकलता है इसका. चलो, सो फाइनली पहली चीज तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. दूसरा, आप इसको डराइव कहां से करते हो? ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है. तो K2Cr2O7 को आप ड्राइव करते हो H2Cr2O7 से. अब आप जरा चेक करना, K2Cr2O7 को हम लोग ड्राइव किससे करते हैं? H2Cr2O7 से, जिसका नाम क्या होता है? जरा आप चेक करो, इसका नाम होता है डाइक्रोमिक एसिड, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है. आगे बढ़ने से पहले सब लोग यहां पर लिखोगे कि एक्चुअली K2Cr2O7 इज ड्राइव्ड फ्रॉम H2Cr2O7, जिसका नाम होता है डाइक्रोमिक एसिड और जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है. तो लिखिए आप इसको, जब तक नहीं लिखोगे तब तक मजा नहीं आएगा. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमिक एसिड. दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमिक एसिड. पहली चीज तो ये, जो कि कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है. इज दिस क्लियर? जो कि कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, फिजा कह रही रिपीट कर दो. तो पहला मैं आपको पॉइंट बताता हूं कि K2Cr2O7 को अगर आपको बनाना है, आगे हम लोग इसकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे. सो ये ड्राइव कहां से होता है? ये H2Cr2O7 से होता है. आपने पोटेशियम हटा के वहां पर क्या लगा दिया? दो हाइड्रोजन लगा दिए. इसको हम लोग डाइक्रोमिक एसिड भी कहते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमिक एसिड. और जो डाइक्रोमिक एसिड होता है, बेसिकली वो रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है. सबको समझ में आ गया? रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है. अब देखो जरा ध्यान से, यह होगा क्या, थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूं. ठीक है, आप लोग एक काम करो, यहां से आप सिर्फ इतना सा काम करो कि यहां से पानी बाहर निकालो. मैं एक आइडिया दूंगा आप लोगों को. यहां से अगर मैं पानी बाहर निकाल दूं, तो पानी के लिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन चाहिए. निकाल दो बाहर, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकाला, तो यहां पर CR2O6 होगा. फाइनली CR2O6 अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहां से आप दो मॉलिक्यूल CrO3 के बना सकते हो. CrO3 के दो मॉलिक्यूल CrO3 के बना सकते हो. तो यहां से जब आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बना लेते हो, तो उसके बाद आपके K2Cr2O7 बनाने के रास्ते खुल जाते हैं. एक नॉर्मल आइडिया दिया मैंने आपको, दोबारा समझाता हूं. K2Cr2O7 ड्राइव होता है H2Cr2O7 से. अगर मैंने H2Cr2O7 से पानी बाहर निकाल दिया, निकालो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, तो Cr2O6 जो कि खुद टूट के डीकंपोज होकर CrO3 बनाता है. अभी जब ये आप CrO3 बना लेते हो, तो ये जो CrO3 है, बेसिकली वही आपके आगे क्या करता है? CrO3 बेसिकली आपको K2Cr2O7 के आगे बनाने के रास्ते निकालता है खोज के. ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, आप लोगों को दिखा भी देता हूं. जरा आप चेक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले यहां से क्या करोगे, रेडिश ब्राउन कलर से आपने पानी बाहर निकाल दिया, ये कन्वर्ट हो गया Cr2O6 में. फाइनली Cr2O6 जो कि एनहाइड्राइड, क्योंकि आपने पानी बाहर निकाल दिया, तो ये क्या कहलाया? एनहाइड्राइड. अब अगर इस एनहाइड्राइड की बात करें, तो राइट नाउ अब आप क्या करोगे, फाइनली Cr2O6 बेसिकली दो आपको डीकम्पोज होकर CrO3 देगा. अब यहां से आपके K2Cr2O7 बनाने के रास्ते खुलेंगे. रेडिश ब्राउन कलर से आप कहां पहुंच गए? एनहाइड्राइड, पानी बाहर निकालने के बाद रेड कलर का आपको सॉलिड मिलेगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. ये है वो सॉलिड जहां से आप K2Cr2O7 बना सकते हो. ये है वो सॉलिड जहां से आप K2Cr2O7 बना सकते हो. अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक नॉर्मल आइडिया तो दे ही दिया कि एक्चुअल में अपने को क्या करना है. ठीक है, इसको क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं. लिखो, क्रोमिक एनहाइड्राइड रेड कलर का होता है. दोबारा समझा देता हूं, K2Cr2O7 ड्राइव होता है, मतलब अगर बनाना चाहो तो H2Cr2O7 से होता है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है, जिसको ड्राई क्रोमिक एसिड भी कहते हैं. आप इसको सुखा लोगे, पानी बाहर निकाल लोगे, तो एनहाइड्राइड Cr2O6 बनेगा, जो डीकम्पोज होकर रेड कलर का CrO3 देगा. इसको क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं. बहुत आसान है केमिकल रिएक्शन को याद करना. मैं बार बार बोलता हूँ लाल चड्डी, लाल चड्डी, तो देखो लाल चड्डी, लाल चड्डी, लाल कलर का हमारे पास क्या बन के आ गया? CrO3. याद करने का तरीका और कुछ नहीं. ठीक है, सो यहाँ पर क्रोमिक एनहाइड्राइड भी आपके सामने ड्राइव हो गया.
सो फाइनली नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यस yes, क्योंकि मैं इसी पॉइंट पर आपको छोड़ रहा हूँ कि यहाँ पर H2CR2O7 की मदद से आप यहाँ पर क्या बना सकते हो, H2CR2O7 की मदद से आप यहाँ पर बना सकते हो यस K2CR2O7. सो इन दैट केस ये एक रास्ता है जो मैंने आप लोगों को दिखाया, क्लियर हो गए. अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की, यही करना है अपने को अगली क्लास में. इज दिस क्लियर? पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन मेथड को पढ़ेंगे और इसकी केमिकल रिएक्शन को अगली बार पढ़ेंगे. टिल देन गाइस हो गया हमारा एक घंटा खत्म, हमने KMnO4 की सारी केमिकल रिएक्शन को कर दिया है फिनिश, K2CR2O7 कर दिया है चालू, अगली बार K2CR2O7 भी कर देंगे हम लोग खलास, क्लियर होता है. टिल देन गाइज आपको क्या करना है, VDNT.in/medicalv इस पर्टिकुलर टेलीग्राम के ग्रुप को कर लो ज्वाइन, बिकॉज इसको नहीं किया तो लाइव झिंगा लाला नहीं हुआ. सो इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला कर लो फटाफट से, इसको क्या करोगे, यस इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, 6500 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोग क्यों नहीं किए हो, कर लो. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको क्या करना है, यस वेदांतु मेडिकल मेडिसिन चैनल को कर लो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. देखो तीन काम है, बाय बाय बोल के भागो मत, हाय दिल दुख पाता है पढ़ लिए और भग लिए, ऐसा नहीं करना. अब आपको वीडियो खत्म होते 2 मिनट देने हैं, 2 मिनट में से 10 सेकेंड तो आपको वीडियो को लाइक करने में, 20 सेकेंड आपको 2 बच्चों को शेयर करने में, और बाकी टाइम आपको सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाने में लगेगा. सो 2 मिनट मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है, जो आप लोगों को मेरे लिए देने हैं. मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूँ तो आप मुझे 2 मिनट नहीं दे सकते हो क्या? सुभाष चंद्र बोस की वो सुनो क्या लाइन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. मैं तुम्हें बोलता हूँ मैं तुम्हें 1 घंटा दे रहा हूँ, तुम मुझे 2 मिनट दे दो, है ना. वो 2 मिनट में क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट नाउ, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक गाइज, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और आप सिर्फ 2 बच्चों को ये वीडियो शेयर करो, जिससे ये आवाज़ और जो हम सोचते हैं वो कहाँ तक जाए, उस हर बच्चे तक पहुँचे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता. वी आर कमिटेड, वी आर हियर फॉर यू, हम यहीं पर हैं. मैं अरविंद अरोड़ा, फिजिक्स के लिए गौरव गुप्ता, बायो के लिए अंकिता शर्मा एंड बायो के लिए अमृत राज, हम आपके लिए बहुत मेहनत करें, वे वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, यहीं आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे. सो बी विद अस. चलो गाइस अगले आप प्रमोशन कर रहा हूँ ऐसे ही समझ लो. चलो अगले वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ, बाय बाय.